हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है तो 23 और 24 तारीख के जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो और उससे पहले हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू इंडियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड फॉर एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सिटीजन ऑल्सो ठीक है ये रिपोर्ट है ऑल अबाउट द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2021 जो कि कितने तारीख को आई थी जो कि 22 तारीख को आई थी 22 ऑफ अक्टूबर 2021 को ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो ठीक है इसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोज आर वाचिंग माय वीडियो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द टॉपिक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट ट्वेंटी ठीक है जैसा कि गाइस आपको पता है कि ये इससे पहले एक और रिपोर्ट आई थी दैट इज़ हंगर रिपोर्ट हंगर रिपोर्ट में आ, इंडिया की रैंकिंग शो की गई थी दैट इज़ वन हंड्रेड वन आउट ऑफ वन हंड्रेड सिक्सटीन कंट्रीज वन हंड्रेड वन शो की गई थी आउट ऑफ वन हंड्रेड सिक्सटीन कंट्रीज़ तो ये वन ऑफ द मतलब कि ये रिपोर्ट को एक तौर से हमको इंडिया एक्सेप्ट नहीं किया इंडिया ने बोला इस रिपोर्ट के बारे में दैट इज़ इसकी जो मेथोडोलॉजी है ये अनसाइंटिफिकली unscienti इसको निकाला गया है तो ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है निकालने का ठीक है इसके ऊपर मैंने एक वास्ट वीडियो बनाया है आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर ओके यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दैट वीडियो ओके सो हम मूव करते हैं इस टॉपिक को दैट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये इसकी जो ये रिपोर्ट आई थी इसकी टेंथ एडिशन निकली थी जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी सो की गई है सेवनटी फर्स्ट रैंकिंग ऑफ इंडिया ठीक है इंडिया की रैंकिंग सेवेंटी फर्स्ट सो की गई है ठीक है इन दिस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि अभी रिसेंटली बाईस अक्टूबर को पब्लिश किया गया था आउट ऑफ कितने कंट्रीज में सो गई है आउट ऑफ वन कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग सेवेंटी है याद रखिएगा दिस इज द द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट में सेवेंटी फर्स्ट और ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 101 आउट ऑफ 116 कंट्री सो डोंट बी सो कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स ठीक है इस इस टाइप के रिपोर्ट्स uh, में कंफ्यूज मत होइएगा मे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो ये यहाँ पर क्लियर क्रिस्टन क्लियर हो गया आपका ये कि वन हंड्रेड ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट और वन uh, ये ये आउट ऑफ वन एंड इन दिस सेवेंटी फर्स्ट पोजिशन इन इन दिस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आउट ऑफ वन हंड्रेड थर्टीन कंट्रीज ओके ये रिपोर्ट uh, प्रिपेयर किया जाता है बाई अनालसिंग डाटा ऑफ वन हंड्रेड थर्टीन कंट्रीज एक सौ तेरह कंट्रीज के डाटा को अनालाइज करके इस रिपोर्ट को बनाई जाती है और ये रिपोर्ट अभी बाईस अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी इस रिपोर्ट में तीन चीज़ें मेनली फोकस की जाती है तीन बेसिक फैक्टर्स फोकस किए जाते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट एफोर्डेबिलिटी एबीबिलिटी ऑफ़ फूड्स एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फूड ठीक है फूड की एफोर्डेबिलिटी एबीबिलिटी ऑफ फ़ूड एंड द क्वालिटी ऑफ़ सेफ्टी एफोर्डेबिलिटी में आपको बता दूँ पाकिस्तान और श्रीलंका हमसे थोड़े अच्छे अच्छे इनकी रिपोर्ट के हिसाब से हमसे थोड़े अच्छे हैं ठीक है लेकिन ओवरऑल अगर परसेंटेज देखी जाए तो पाकिस्तान की है सेवेंटी फाइव और श्रीलंका की आसपास सेवेंटी एट या सेवेंटी नाइन के आसपास है आई एम नॉट दैट मच श्योर ओके सो जस्ट गो एंड सी द फ्रॉम सी दैट रिपोर्ट ओके ये जो रिपोर्ट पब्लिश की, की जाती है या फिर डिज़ाइन की जाती है इट्स लंदन बेस्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसको क्या करता है डिज़ाइन करता है इसको पब्लिश करता है हर साल ठीक है और ये रिपोर्ट और मैं आपको बता दिया ऑन द बेसिक्स ऑफ थ्री फैक्टर पे मिलते हैं दैट इज अफोर्डेबिलिटी अवेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एंड द सेफ्टी ऑफ दैट फूड रिसोर्स ठीक है सो so, इसका मेन एम क्या है मेन एम क्या है इसका मेन एम टू एंड द हंगर हंगर को एंड खत्म करना टू प्रोवाइड द जीरो हंगर बाई ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी थर्टी तक इसका मेन टारगेट है जीरो हंगर को ले आना और टू अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बीस टारगेट रखे गए ना इंडिया के द्वारा वो उसको अचीव करने का एक अच्छा तरीका है अच्छा एक अच्छा एक्सेलरेटर अच्छा एक है ये ठीक है सो दिस इज दिस इज द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन हेयर सो वॉट आर मेन मेन जो थिंग्स है कंसर्न से रिलेटेड दैट इज ऑल अबाउट हम इसके बारे में जैसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई है ठीक है जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसको पहली बात तो इसको स्पॉन्सर कौन करता है स्पॉन्सर करता है इसको कॉटवेया कॉटेवा एग्री साइंस कॉटेवा एग्री साइंस इसको स्पॉन्सर करता है और ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट uh, किसके द्वारा किया जाता है लंदन बेस्ट इकोनॉमिक पैक के द्वारा ठीक है मैंने इसका मेन आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया ऑब्जेक्टिव और इसका एम क्या है टू एंड हंगर और एक्सेस ऑफ फूड एबलिटी बाय ऑल द पीपल ठीक है चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो मीडियम में हो ठीक है एक्सेस ऑफ फूड एबेबिलिटी प्रोवाइड करना सारे पीपल तक इसका मेन एम है और ऑब्जेक्टिव है ठीक है दैट्स वाई इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबको एक समान नजर से देखने की इसको कैपेसिटी रखता है सो दैट्स वाई द इंडिया इज मेन टारगेट टू जीरो हंगर बाई ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी थर्टी तक इंडिया का टारगेट है टू बी जीरो हंगर ठीक है एंड टू अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल गोल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट गोल की तरफ ओके दिज ऑल आर द थिंग्स विच आर इन दिस रिपोर्ट ये कुछ इस टाइप के थिंग्स थे जैसे अफोर्डेबिलिटी एबेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एंड सेफ्टी ऑफ फूड को इसके अंदर रिपोर्ट को मैंशन कर, uh, करने से ये सब चीजों को इसके अंदर देखा जाता है तो उसके बाद ये रिपोर्ट निकाली जाती है ओके सो दिज ऑल आर द थिंग्स विच इज इन दिस रिपोर्ट ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो एंड जस्ट कंटिन्यू आर करेंट अफेयर क्वेश्चन सो लेट्स स्टार्ट फ्राम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वॉट विच कंट्री रिसीव नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया टू बूस्ट कल्टिवेशन ठीक है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया से ऐसी कौन सी कंट्री है जो नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर लिया है किसके लिए कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए ठीक है क्वेश्चन ईजी था ठीक है आप क्वेश्चन ये अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं डेली अगर इस टॉपिक को आप रीड आउट कर रहे हैं देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर इजीली ठीक है नाउ द आर एज ऑप्शनोज दैट इज ए बांग्लादेश बी श्रीलंका सी नेपाल एंड डी भूटान ठीक है जस्ट पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में आप आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए कम से कम अटैम्प्ट तो जरूर कीजिए ठीक है अटैंप्ट जरूर कीजिएगा बाकी आ, हो, होगा गलत वगैरह होगा तो चलता है लेकिन उसको बाद में जाके आप गूगल से करेक्ट कर सकते हैं ठीक है नाउ मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ द आंसर विल बी वॉट बी श्रीलंका लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन या द ऑप्शन विल बी बी श्रीलंका नाउ लेट सी सम मोर फैक्ट विच इज रिलेटेड टू डेट श्रीलंका क्या बन गया फर्स्ट श्रीलंका uh, ऐसा पहला कंट्री बन गया जो रिसीव किया फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 3.1 मिलियन लीटर ऑफ हाई क्वालिटी नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर फॉर फ्रॉम इंडिया ठीक है श्रीलंका ने 3.1 मिलियन लीटर का नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड का फर्टिलाइजर रिसीव किया है इंडिया से ठीक है एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ रिसीवर ऑफ फ्रॉम द इंडिया ठीक है और ये क्या करेगा इंडिया के कल्टीवेशन जो श्रीलंका कल्टीवेशन है ना उसको हेल्प करेगा इन कल्टीवेशन ऑफ मेज एंड पैड पैडी जो मेड और पैडी का जो कल्टीवेशन करते हैं ना जो मेड और पैडी का कल्टीवेशन उसको इसमें हेल्प करने वाला है ठीक है बिकॉज द कंट्री का जो प्रेसिडेंट है ना जो रजरप्पा उन्होंने डिसाइड कर दिया है डिसाइड किया है कि वो एक बैन इम्पोज करेंगे ऑन द एग्रोकेमिकल एग्रो केमिकल के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है दैट्स वाई दे हैव परचेज दिस नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर ठीक है एंड दिस डिसीजन टू स्टॉप केमिकल फर्टिलाइजर इम्पोर्ट लेट टू सेवरल प्रोटेस्ट अमंग्स द फार्मर ठीक है और ये जो उन्होंने इम्पोज किया है ना ये जो बैन उन्होंने लगाया है ऑन द एग्रोकेमिकल्स ठीक है टू मेक श्रीलंका फार्मर हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक ठीक है उनका मेन पर्पज़ क्या है कि जो श्रीलंका की जो फार्मिंग होती है कल्टिवेशन किया जाता है वो हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक हो ठीक है ना कि केमिकल्स uh, का केमिकल का यूज करके वो फार्मिंग uh, की है ठीक है तो ये डिसीजन उनके uh, जो स्टॉप uh, किया है उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर के लिए तो ये लेट किया किया गया बहुत सारे फार्मर इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन श्रीलंका ठीक है सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने इंडिया से बोला कि आप हमें इतना अमाउंट में ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हमको दे दीजिए ठीक है तो इंडिया ने क्या किया इंडिया बिकम द फर्स्ट इंडिया श्रीलंका बिकम द फर्स्ट कंट्री टू तो रिसीव दिस नैनो हार्मफुल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया टू तो बूस्ट कल्टिवेशन ठीक है तो आंसर विल बी व्हाट आंसर विल बी, बी श्रीलंका ठीक an uh, है ना मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज इंडियन स्टेट कंडक्ट एन एनुअल स्टेट लेवल कंपटीशन टू अवार्ड हाई एल्ड ठीक है क्वेश्चन वेरी सिंपल है लेकिन करंट अफेयर्स में तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा ठीक है सो विच इंडियन स्टेट कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा कंडक्ट करता है एनुअल स्टेट लेवल शुगर कंपटीशन जो अवार्ड कर हाई को अवार्ड अवार्ड देता है हाई एल्ड का ठीक है तो कौन सा इंडियन स्टेट इसको कंडक्ट करता है और ये क्या होता है एनुअली कंडक्ट किया जाता है साल में एक बार कंडक्ट होता है हर साल होता है ये ठीक है ऑप्शन आर एज फॉलो दैट इज ए वेस्ट बंगाल बी उत्तर प्रदेश सी बिहार डी आंध्र प्रदेश ठीक है दिस ऑल आर द ऑप्शन विच इज इन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट पॉज यूर वीडियो एंड ट्राई टू गिव द एंसर जस्ट डू इट या जस्ट अटेम्प्ट तो कीजिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आई विल बी एबल टू नो समथिंग विच इज़ मोर रिलेटेड टू इट अगर आप अटैम्प्ट कीजिएगा अगर आप इंटरेस्ट लीजिएगा इन सब चीज़ों में तो आपको क्या है ना कि एक तरफ से अंदर से लगेगा कि हाँ यार इसके अंदर इसमें ऐसा भी होता है क्या उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश तो हमारा यार हम यहाँ चलो ठीक है उत्तर प्रदेश के बारे में और भी कुछ हमें जानने को मिल रहा है तो कुछ इस टाइप का आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी और वो आपके उसके अंदर से आप और भी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर आप निकालने की इसके अंदर से कोशिश कीजिएगा ठीक है किस टाइप का वर्ड है क्या होता है इसके अंदर किस चीज़ें कौन कौन से बेसिस पे मिलते हैं ठीक है तो कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर ठीक है इस टाइप की चीज़ें आपको अंदर से आने लगेंगी ठीक है तो जस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके ठीक है मैं इसका आपको इसका आंसर बता देता हूँ आंसर विल बी बी उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश में ये इसका क्या होता है ये एक कंपटीशन रखा जाता है डेट इज स्टेट लेवल शुगर कंपटीशन नाउ लेट सी सम मोर फैक्ट इज रिलेटेड है हर साल क्या होता है उत्तर प्रदेश एक स्टेट लेवल शुगर कंपटीशन निकालता है टू द फार्मर टू डोज फार्मर्स हुआ एक्चुअली डूइंग हाई येल्ड और पर हेक्टर के हिसाब से जो हाई एल्ड जो ये अवार्ड फॉर डोज है ना उनके उन फार्मर के लिए हैं जो हाई येल्ड करते हैं पर हेक्टर ठीक है पर हेक्टर के हिसाब से जिनकी हाई एल्डिंग होती है उसको ये अवार्ड दिया जाता है ठीक है एंड दिस ईयर द फार्मर फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज़ वॉन द स्टेट केन कॉम्पिटिशन शुगर कम्पटिशन ऑफ टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव क्विंटल पर हेक्टर हैक्टर ठीक है और इस साल पर जो रखा गया था ना ये स्टेट लेवल शुगर कंपटीशन रखा गया था ना शुगर केन कंपटीशन उसमें क्या हुआ वेस्टर्न साइड के जो उत्तर प्रदेश के जो फार्मर हैं ना उन्होंने ये अवार्ड जीता है और विथ टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव क्विंटल्स पर स्क्वायर पर हेक्टर के हिसाब से उन्होंने ये अवार्ड को जीत लिया है ठीक है ये अवार्ड को मेनली फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जेट इज रतून अर्लियर प्लांट जनरल प्लांट एंड डीप इरीगेशन रतून आप सबको पता है जो हार्वेस्टिंग के बाद जो छो क्रॉप्स की जो जैसे बीट राइस हो गए ना बीट राइस की और कुछ बैम्बूज की जो छोटे 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 जो पौधे को नीचे से काटते हैं ना जैसे धान की खेती होती है तो कैसे उसको रूट को छोड़ दिया जाता है जमीन के ऊपर से और बाकी के ऊपर का पोर्शन उसको काट लिया जाता है तो उस टाइप का इसके अंदर देखने को मिलता है उसी को हम रातून की क्रॉपिंग बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है सो so, उत्तर प्रदेश की चीज़ थी इसलिए डैट सॉइ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ से हर चीज़ वो कर निकलती है ठीक है वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ से होकर ज़्यादातर निकलता है ठीक है शुगर कैन का प्रोडक्शन हमें वहाँ से ज़्यादातर देखने को मिलता है ठीक है सो विच इंडियन स्टेट कंडक्ट ऑन एनुअल स्टेट लेवल सुगर कैन कॉम्पिटिशन टू अवार्ड हाई हाईल दैट इज बी उत्तर प्रदेश ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अर थर्ड क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड द टॉप यू ह्यूमन राइट प्राइज द सखरोज प्राइज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है सखरोज प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी वन किसको मिला है इसमें से ठीक है विच इज अवार्डेड विच इज द टॉप यू ह्यूमन राइट प्राइज ये बहुत टॉप में है यू मतलब यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट प्राइज़ है दैट इज़ सखरोज प्राइज 2021 तो विच ऑफ द पर्सनालिटी गॉट दिस प्राइज ठीक है तो ऑप्शंस आर एज फॉलो दैट इज व्लादिमिर पुतिन ठीक है बी इज एनक्सी नवलैन एंड सी इज गोटाबा राजा पक्षा एंड डी इज़ नरेंद्र मोदी ठीक है दिस ऑल आर द ऑप्शंस विच आर इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट वॉच पॉजिटिव वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर I'm going to give the answer of this question. That answer will be B. And Navalini. Okay? This person which uh, which is awarded by the top EU human right prize that is Rose Prize for the year 2021. Okay? Now let's see some more fact which is related to that. Okay? ये जो पर्सन पर्सनालिटी है ना ये एक अपोजिशन लीडर थे एनलिक्सी नवलिनी करके अवार्ड जिनको अवार्ड दिया गया यूवी का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़ दिया गया दैट इज शखरसी प्राइज़ ठीक है ये इंप्रेजन हो गए थे रशिया के रशिया के जो सरकार है ना उनके खिलाफ इन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी तो उनके लिए इनको जेल दे दिया जेल की सज़ा सुना दी गई थी और ये ये क्या हुए थे इनको जेल में डाल दिया गया था ठीक है ए इनको क्या किया पर्सनल ब्रेवरी पर्सनल ब्रेवरी की uh, तौर पे इनको अवार्ड प्रोवाइड किया गया है एंड ही वाज द पॉइजन विथ नव एजेंट लास्ट ईयर इनको पॉइजन uh, किया गया था नव एजेंट से लास्ट ईयर में अरेस्टेड एंड इम्प्रेजेंट ठीक है अरेस्ट करने के बाद इसको इम्प्रेजेंट कर दिया गया मतलब जेल में डाल दिया गया ही हैज़ कैंपेन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द करप्शन ऑफ रसियाज़ रूलिंग गवर्नमेंट ठीक है बट फिर भी जब इनको जब इनको पता था कि रशिया का जो गवर्नमेंट है वो उन वो करप्ट हो गई है ठीक है उसके खिलाफ क्या करते थे ये कैंपेन करते थे और ये इन, इन्होंने अपना कैंपेन रोका भी नहीं इसके बाद भी इसके बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आई उसके बाद भी ये अपना कैंपेन को कंटिन्यू किए सो दैट्स वाई दिस पर्सन गॉड द ई यू ह्यूमन राइट प्राइज दैट इज सखरोज प्राइज फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है दैट्स मेक इंपॉर्टेंट ठीक है ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आर फोर्थ क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ट्वेंटी ट्वेंटी कौन सी इंस्टीट्यूशन है ना जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट निकालती है द ऑप्शन आर एज दैट इज डब्ल्यूफ बी इज यू एन ई पी सी इज एफ एंड डी इज नीति आयोग दिस ऑल ऑप्शन दिस ऑल ऑप्शन आर वेरी मच कंफ्यूजिंग सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस क्वेश्चन ओके द जस्ट पॉजिटिव वीडियो एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन द आंसर आई एम गोइंग टू टेल इज ऑल अबाउट ठीक है मैं आपको आंसर बताने जाता हूँ जा रहा हूँ ठीक है दी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज यूरोपियन सॉरी यूनाइटेड नेशनमेंट इन्वामेंट प्रोग्राम ठीक है इसका फुल uh, फॉर्म आप लिख लीजिए दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायमेंट प्रोग्राम इन्वामेंट प्रोग्राम ठीक है अलॉन्ग लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज 2021 रिपोर्ट गैप रिपोर्ट को किसने निकालता है कौन इंस्टीट्यूशन निकालता है वो यू एन ई पी है दैट इज यूनाइटेड नेशनल इन्वामेंट प्रोग्राम उसको इस रिपोर्ट को निकालता है ठीक और ये रिपोर्ट क्या करती है ये रिपोर्ट मेजर करती है द गैप बिटवीन द गवमेंट प्लान प्रोडक्शन ऑफ कोल ऑयल गैस एंड द ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल कंसिस्ट विद मेटिंग पैरस पैरिस एग्रीमेंट लिमिट्स ठीक है ये क्या करता है ये गैप्स को मेजर करता है बिटवीन दो गवर्नमेंट प्लान प्रोडक्शन है जैसे कोल और ऑयल और गैसेस का और उस और उन किसके बीच में और द प्रोडक्शन लेवल ऑफ कंस्टेंट मीटिंग जो पैरिस एग्रीमेंट्स गोल्स के जो लिमिट्स हैं ना उनके बीच और गवर्नमेंट के प्रोडक्शन के बीच की ये गैप को क्या करता है मेजर करता है ठीक है एंड एज पर द न्यू रिपोर्ट्स गवर्नमेंट प्लान टू प्रोड्यूस मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ फॉसल फ्यूल इन 2030 ठीक है एंड ये जो न्यू रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि जो अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल का वो क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ना उनको क्या करेंगे उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या करेंगे वो डबल कर देंगे बाय 2030 ठीक है दैन द कंस्टिट्यूट लेवल टू लिमिट द गोल ऑफ आरमी ठीक है कंस्टेंट कंसिस्टेंस लेवल से छोड़कर ये अपना क्या करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करके बढ़ाने वाले हैं और uh, ये क्या कंसिस्टेंट लेवल इसके पैरिस एग्रीमेंट में ये सेट किया गया था इस गोल को कि हम ग्लोबल वार्मिंग को वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक लेकर आएंगे बट ये उसको क्या कर रहे हैं ये उसको फॉलो नहीं करके ये फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन को uh, ये बढ़ाएंगे ठीक है सो ये बढ़ाने का तय so, किया है तो किसने किया दैट इज़ यूनाइटेड नेशनल इन्वामेंट प्रोग्राम की ये रिपोर्ट इसमें बता जाए बता रही है ठीक है सो दैट्स ऑफ इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज माउंट आसो विच एरप्ट रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री ठीक है आपको भी पता होगा कि एक अभी एक कंट्री में वॉलकनो बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल बहुत ज्यादा इरप्ट हुआ है ठीक है और उससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी बहुत ज्यादा लैंड को और बहुत ज्यादा वहाँ पर एरियाज को नुकसान हुआ है सराउंडिंग एरिया को ठीक है सो दैट्स व इट इज इन न्यूज ऑप्शन आर एज फॉलो दैट इज ए इंडोनेशिया बी फिलिपींस सी जापान एंड डी मलेशिया दिज ऑल ऑप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑल दिज ऑप्शन बहुत जो दो कंट्री है उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको दैट इज़ इंडोनेशिया एंड जापान बट द ऑप्शन विल भी जापान ठीक है मैं आपको ऑप्शन इसका बता दे रहा हूँ जपान होगा लेट सी मोर फैक्ट जो माउंट आसो है ना एक लार्ज एक्टिव वॉल कैनो भी देखा गया है कहाँ पर जापान में एंड इट इज़ द वन ऑफ द लार्ज लार्जेस्ट एक्टिव वॉल कैनो इन द वर्ल्ड इट इज़ लोकेटेड इन द आईलैंड ऑफ क्यूसू क्यूसू के आइलैंड में ये लोकेटेड है ऑफ पिक्स एट लोकेटेड ऑन पंद्रह मीटर के आसपास जो सी लेवल से पंद्रह मीटर की ऊंचाई पर ये लोकेटेड है ठीक है और दिस इज व्हाट दिस इज अक्टिव वॉलकैनो दिस इज एक्टिव वॉलकैनो याद रखिएगा जापान में है ये माउंट आसो जो कि अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है स्वीपिंग ह्यूज कॉलम ऑफ हॉट गैसेज एंड एस अ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर इंटू द स्काई मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हार्स कंडीशन था इसका जब ये एरप्ट हुआ क्योंकि ये 3,500 मीटर की ऊंचाई पर जब ये एरप्ट हुआ तो ये इसके जो हॉट एसेस और जो हॉट uh, गैसेस और जो एसेस है ना वो तीन uh, हजार पाँच सौ मीटर स्काई तक वो जाकर मतलब कि बहुत हाइट तक वो गए उसके ऊपर ठीक है एंड जापान मेट्रोलॉजी एजेंसीज ने बताया कि एक अलर्ट लेवल एक अलर्ट इशू कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस वॉल कैनो वहाँ पर एक अलर्ट और उन्होंने पीपल को बोला कि वो माउंटेन के उस पहाड़ के करीब ना जाएँ क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्या हो गया इंटेंस हो गई है सो दैट्स सॉ इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन न्यूज़ ठीक और पेपर वहाँ पर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है ठीक है सो माउंट आसो कहाँ पर है अभी ये जापान में और ये क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये क्या है एक एक्टिव रोल है और ये तीन मीटर हाइट तक ये इसकी जो ब्लास्टिंग विथ ईरपन हुआ था वो गया था okay so that's why it's making important so i'm now moving on to the next question that is our sixth question on the recent assessment of american intelligence community has released its report called national intelligence estimate on climate okay. एक एस्टिमेट असमेंट किया गया था अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा उसमें से एक रिपोर्ट निकल गया आई हुए ऑन द नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट क्लाइमेट के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई भाई अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा ठीक है तो विच ऑल आर द फॉलोइंग कंट्री विच इज़ इंक्लूडेड इन एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट बाई दिस एजेंसी ये जो कम्युनिटी ने रिपोर्ट लगा निकाली थी तो ऐसे कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनको एज कंट्री ऑफ कंसर्न के तौर पे माना गया है ऑन क्लाइमेट पे ठीक है तो ऑप्शन आर एज फॉलो दैट इज़ इंडिया अफगानिस्तान म्यांमार बी इज अफगानिस्तान भूटान नेपाल सी इज चाइना सी इज़ पाकिस्तान कोलंबिया ईरान एंड इज़ ऑल ऑफ दब ठीक है ऑल ऑफ द अब जहाँ आ जाते हैं वहाँ एक एक तरह का एक्सेप्शन ही आ जाता है समझ लीजिए ठीक है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ लगता है हमको वहाँ पर लगता है कि अरे हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ठीक है तो डॉन्ट बी सो कन्फ्यूज तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको बहुत इजी आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि आ, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं ठीक है आप इसको अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ठीक है सेकंड तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि चाइना इसमें मेंशन ही नहीं है ठीक है अफगानिस्तान और भूटान तो मेन्सन है ठीक है लेकिन यहाँ पर चाइना मेन्सन नहीं है भूटान भी मेंशन नहीं, नहीं है सॉरी भूटान भी मेंशन नहीं है इसमें ठीक है और सी क्यों नहीं है सी क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर ईरान मेंशन नहीं है ईरान आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर इराक होगा ठीक है इराक जिसकी राजधानी क्या है बगदाद ईरान की राजधानी क्या है तेहरान ठीक है इराक की राजधानी बगदाद है कैपिटल uh, बगदाद है और ईरान की कैपिटल तेहरान है ठीक है तो और यहाँ पर पाकिस्तान और कोलंबिया उस रिपोर्ट में दिया गया है मैंसन किया गया तो ये सेकंड है नहीं थर्ड है नहीं तो ऑल ऑफ द बब का तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया आपका ठीक है तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट इंडिया अफगानिस्तान और म्यांमार तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया क्योंकि इसमें मैंसन किया गया है इंडिया एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट इंडिया एज अ कंट्री कंसर्न किया गया है क्लाइमेट के बेसिस पे इस रिपोर्ट को निकाली जाती है जिसमें इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न बोला गया है उस कैटेगरी में इसको रखा गया देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया दट इंडिया वॉज पुट इन दिस कैटेगरी अलॉन्ग विद द टेन अदर कैटेगरी टेन अदर कंट्रीज के साथ साथ इंडिया को भी इस रिपोर्ट में डाल दिया गया है ठीक है एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट अफगानिस्तान हैथी कोलंबिया म्यांमार पाकिस्तान इराक नॉर्थ कोरिया गोतमाला हॉन्ड्रस एंड निकागुआ निकाडगुआ ठीक है ये इफ दिज आर ऑल द कंट्री विच हैव इंक्लूडेड इन द कंट्री एज ए कंसर्न ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट के ऊपर जो कंट्री का डाटा निकाला गया है सो तो उनके ऊपर ये कंसर्न के बेसिस पर यह डाला गया है ठीक है कंसर्न में इनको डाल दिया गया है ठीक है सो so, ये रिपोर्ट इसके इसमें निकली थी इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता दिया ठीक है सो so, इस इससे हमको क्या क्या हम देखने को मिलेगी एज़ पर द रिपोर्ट इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैज़ असेस that दिस कंट्री विल फेस वार्मिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम वेदर एज वेल एज डिस्ट्रप्शन ऑफ ओशियन ठीक है इस रिपोर्ट के हिसाब से जो कंट्री को कंसर्न uh, में डाला गया है वो वो कंट्री ये सब चीज़ें फेस, फेस करेंगी दैट इज़ वार्मिंग टेम्परेचर फेस करेंगी बहुत ख़राब वेदर कंडीशन फेस करने वाली है ठीक है विच इज़ लेड टू द फूड वाटर एंड एनर्जी एंड वेल्थ सिक्योरिटी पर यह बहुत ज़्यादा खतरे की बात आ गई है सो डैट्स वाई दिस कंट्री को यह पहले ही से बता दिया गया है कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी आप इसको पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए ठीक है सो दिस ऑल आर द कंट्री विच हैव बीन पुटेड बाई द कम्युनिटी विच इज लेड बाई द ठीक है उसके द्वारा रिपोर्ट के द्वारा बताइए ठीक है so, सो इस रिपोर्ट में इतना ही था इसलिए मैंने आपको इस रिपोर्ट के बारे में आपको जानना जरूरी था क्योंकि आपको इसके अंदर इंडिया uh, की इंडिया uh, की इंडिया को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया दैट्स व इस रिपोर्ट को मैंने लेके आया है यहाँ पर ठीक है ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आर लास्ट एंड सेवेंथ क्वेश्चन दैट साउथ कोरिया लॉन्च इट फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट आ, एक आपको पता है कल की ये न्यूज़ आई थी ठीक है ये साउथ कोरिया ने अपना फर्स्ट होम ग्रोन रॉकेट डोमेस्टिक स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है तो उसकी नाम उसका नाम क्या है ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन तो क्या है उसका नाम जब तक तो उसका नाम ही पता नहीं है आपको तो बाकी तो चीज़ पता ही नहीं सर ठीक है पहला क्या है चियांग दूसरा क्या है नूरी तीसरा फूची चौथा क्या है काही ठीक है तो जब तक आपको इसका नाम ही नहीं पता होगा तो बाकी रॉकेट के बारे में जानकर क्या फ़ायदा होगा ठीक है तो ऐसी कुछ है तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन है ऑप्शन आर एज फॉलो दैट इज़ फर्स्ट यांग सेकेंड नूरी थर्ड फूची एंड फोर्थ काही ठीक है दिज ऑल आर द टाइप ऑफ दिज ऑल आर द नेम ऑफ द रॉकेट ठीक है आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में ठीक है और मुझे बताइए इसका इसका सही आंसर क्या है इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको ठीक है इसका आंसर आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ ठीक है आप मुझे बताइएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ठीक है ठीक है चलिए मैं इसके बारे में और कुछ दिखाता हूँ कि रॉकेट ये कैसा है क्या है ठीक है ये कुछ इस टाइप की रॉकेट आपको देखने को मिलेगी जो लॉन्च किया गया है ठीक है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये सॉरी साउथ कोरिया के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया है और ये क्या है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये साउथ कोरिया का पहला होम ग्रोन रॉकेट है जो डोमेस्टिकली साउथ कोरिया में इसको डेवलप किया गया डिज़ाइन किया गया है ठीक है दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि क्या है इसका आंसर ठीक है और बस आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक्स अ नाइस डे टाटा बाय